सो हाय गाइस, ये हमारा सेकंड पार्ट है कानपुर अनवरगंज सुपर स्पेशलिस्ट विद स्पेशल फेयर ट्रेन में। स्पेशल फेयर तो था बट स्पेशल क्या था ट्रेन में पता नहीं चला। बहुत सारा रश एंड ओल्ड कोचेस, पता नहीं। आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट देखा, सेकंड पार्ट भी है आप लोगों के पास। प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कुछ स्पेशल दिखता है तो। बाकी हम लोग आ चुके हैं अपने 8th हॉल्ट पे भरतपुर जंक्शन। 1209 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और सुबह होने वाली है थोड़ी देर में। वैसे बारिश भी हो रही है थोड़ी थोड़ी, अभी देख नहीं रही है बट थोड़ी थोड़ी हो रही है। तो चलिए हम लोग भरतपुर जंक्शन पे आ चुके हैं और यहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस सेकेंड पार्ट को यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग। वैसे अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग पहले आप वो देख सकते हैं, उसके बाद इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट भी बहुत बढ़िया था। भाई 15 मिनट की डिले से हमारी ट्रेन का अराइवल यहाँ पे भरतपुर जंक्शन पे हो चुका है एंड हमारी ट्रेन का यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट होने वाला है। और देख सकते हैं रेम झिम रेम झिम बारिश पड़ रही है और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। तो 2 ही मिनट का हॉल्ट है, चलो चढ़ जाते हैं ट्रेन पे, निकल पड़ेगी नहीं तो हमें छोड़ कर। सिग्नल हो गया और नहीं बच गया। सो 2 मिनट का होल्ड लेने के बाद भरतपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो रहा है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये हमारा पार्ट 2 का फर्स्ट डिपार्चर है। चलिए इस डिपार्चर को एंजॉय करते हैं। बाकी हमारा नेक्स्ट होल्ट होने वाला है अचनेरा जंक्शन, जहाँ पे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल किया जाएगा। तो चलिए लोकोमोटिव रिवर्सल के साथ नेक्स्ट होल्ट पे आपको मिलते हैं। चलिए भरतपुर जंक्शन की भी बात कर लेते हैं। प्लेटफॉर्म की बात करें यहाँ पे तो नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 5 है और इसका स्टेशन कोड है BTE एंड इसका इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क टोटली कंप्लीट हो चुका है। यू कैन सी द वर्क ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन एट द फ्रंट। बाकी यहाँ इसको जंक्शन इसलिए कहा जाता है बिकॉज यहाँ से 2 लाइन्स जाती हैं, दिल्ली मुंबई एंड आगरा फोर्ट जयपुर। देख सकते हैं आप डिफरेंट रूट की लाइन्स डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं। सो हम लोग अपने 9th हॉल्ट की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही नज़दीक है हम लोग अपने 9th हॉल्ट से, जो कि अचनेरा जंक्शन। यहाँ पे हमारी ट्रेन ने टोटल 1237 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया है और नाउ हमारी ट्रेन का अराइवल हो चुका है अचनेरा जंक्शन पे। बाकी यहाँ पे हमारी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल होगा, उसके बाद हम लोग मथुरा की डायरेक्शन में मूव करेंगे। बाकी स्टेशन भी बहुत ही भरा भरा सा लग रहा है, बहुत सारे लोग हैं। शायद सामने वाली ट्रेन के लोग बाहर उतर गए हैं, शायद इसका भी लोकोमोटिव रिवर्सल यहाँ पे हो रहा है।
सो इसके जाने के बाद हमारी ट्रेन का लोकोमोटिव रिवर्सल किया जाएगा। तो चलिए इस अराइवल को देखते हैं, उसके बाद लोकोमोटिव रिवर्सल पे मिलते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने 9th हॉल्ट पे, अजमेरा जंक्शन। 15 मिनट डिले आए हैं और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 25 मिनट का हॉल्ट है। और देखो सुबह हो चुकी है पूरी। बाकी ये स्टेशन हमारा नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के आगरा डिवीज़न में आता है। और नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और सामने से एक ट्रेन आ रही है, तो एक क्रॉसिंग होने वाली है, तो लोकोमोटिव रिवर्सल ही होगा। तो लोकोमोटिव को निकाल लिया गया, अब रिवर्सल किया जाएगा इसका। उसका रिवर्सल देख के आते हैं। अगर हम यहाँ हम लोग रिवर्सल देखने जाते हैं, चलो आप लोगों को रिवर्सल दिखाते हैं। टिकट वापस थोड़ी होगा, आप जेब से भरेंगे ना? अब पैसे तो आप 100 रुपए दे दो। जा तो रहते हम लोग लोकोमोटिव रिवर्सल देखने, बट यहाँ पे बीच में हमें एक इंसिडेंट देखने को मिला। यहाँ पे इंसिडेंट ये था कि पैसेंजर के पास टिकट थी, स्टिल टीटी ने टिकट बना दी एंड नाउ पैसेंजर इज़ आस्किंग फॉर द रिटर्न ऑफ द मनी। एंड अब ये जो टिकट बनी है उसके पैसे तो रेलवे में चले गए, तो टीटी अब रिटर्न नहीं कर सकता। और टिकट इसलिए बनाई थी बिकॉज जो पैसेंजर था वो कह रहे थे कि हमारी टिकट खो गई, इसलिए उन्होंने टिकट बनाई है। एंड टिकट उनके को पैसेंजर के सब साथ ही जो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो बहुत ही वियर्ड सा केस है वैसे, सब सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं अलग अलग तरीके की। तो ये भी आज एक नया इंसिडेंट देखने को मिला। अब एक तो गलती की, अब नाउ ही इज़ आस्किंग फॉर द मनी रिटर्न बैक। कपलर बंद कर, कपलर है बंद कर, खुला हुआ है।
आज कोई आया हो ना दी से आप हमें वो गाड़ी इधर पे गई ना लोकोमोटिव का रिवर्सल हो गया, कपलिंग हो गई, चलो जल्दी से ऐसे लेवल में चलते हैं, बहुत दूर जाना है भैया। सो समय हो गया हमारी ट्रेन के डिपार्चर लेने का अजनेरा जंक्शन से, अब रिवर्स डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जाएगी एंड अपने रूट को चेंज करते हुए मथुरा डायरेक्ट जंक्शन की ओर हम लोग मूव करेंगे। चलिए अब हम लोग अपने लास्ट डेस्टिनेशन मथुरा जंक्शन पे मिलते हैं और ब्लॉक को एंड करते हैं। जर्नी को यहीं पर एंड करते हैं, बाय।